reading from page number 144. The statement is, a stone is allowed to fall from the top of a tower. So we have a tower. This tower having height 100 meters. Okay? And a person throw a stone from the top of this tower like this in downward direction. At the same time, another person is standing on the ground and he is projected the stone in vertically upward direction. This is stone one and another stone two. At the same time he projected. So when one stone is falling down and other is going upward, they will meet somewhere and they are asking where they meet and when they meet. वो कहाँ पे मिलेंगे and कब मिलेंगे, ये फाइट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोन वन. फॉर स्टोन वन, बिकॉज इट इज रिलीजिंग फ्रॉम द टॉप, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वेलोसिटी टू द स्टोन व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन, है ना? एंड इट इज फॉलिंग इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी, सो वी विल टेक जी. पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज फॉलिंग इन द फेवर ऑफ ग्रेविटी. पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सपोज दे मीट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट में मिल गए दोनों स्टोन. सो फर्स्ट स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करके आया है? लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस कवर करके आया. एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ये वाला स्टोन कितना कवर करके आएगा? 100 माइनस एक्स ऑब्वियसली. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोन वन, यू जीरो, जी दिस मच. एंड कितनी हाइट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया आप टू दिस पॉइंट एक्स. सो एच इज एक्स. अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज. एच कितना है? एक्स इज इक्वल टू यू इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस हाफ इंटू टेन इंटू टी स्क्वायर. वी डोंट नो अबाउट द टाइम कब मिले. ठीक है, सो वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल. दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, देन वी आर एबल टू सॉल्व. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोन 2. लुक एट द स्टेटमेंट, स्टोन 2 इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी. हाउ मच वेलोसिटी? 25. तो u इज गिवन 25 मीटर पर सेकंड, है ना? बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है. सो वी विल टेक g पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. सो g इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर? एंड h कितनी हाइट तक गया वो? 100 माइनस x. h इज 100 माइनस x. अप्लाई सेम इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज. 100 माइनस x इज इक्वल्स टू यहां पे कितना आएगा? 25 इनटू t प्लस हाफ माइनस 10 t स्क्वायर. क्लियर? So we will get 100 minus x is equals to 25t minus 5t square. We have the value 5t square x. So put here the value 5t square x and we will get 100 minus x is equals to 25t minus x. This x goes with this x. So we get 100 is equals to 25t and we will get t is equals to 4 seconds. It means the two stone will meet after 4 seconds. 4 seconds baad mil jayenge dono stone. Kahan pe milenge? First equation mein put karo p ki value. Put the value p. X is equals to 5 into 4 square. 4 square 16 into 5. 80 meter. तो फर्स्ट वाला स्टोन 80 मीटर ट्रैवल करके आएगा, नीचे वाला 20. दे विल मीट हियर आफ्टर ट्रैवलिंग 80 और 20 एंड आफ्टर 4 सेकंड्स. क्लियर? देखो द स्टेटमेंट इज अ बॉल थ्रो
thrown vertically upward आएगा वहाँ पे returns to the thrower after 6 seconds. एक बॉल ऊपर फेंका and thrower के पास वापस आ गई in 6 seconds. तो 3 seconds तो पूरा ऊपर जा रहे थे मेरे maximum height and 3 seconds fall back to the thrower. ठीक है and they are asking to find the velocity with which it was thrown up. ऊपर कितनी velocity से फेंका. ठीक है and the maximum height it reaches and see position find करनी. If the ball is thrown vertically upward, then it has to provide some velocity, na? But वो पता नहीं वो find कर रही है, ठीक है? And because it is going upward, so we will take g positive or negative? Positive. It is going upward. Negative. Negative against gravity, na? So -10 m/s². Okay? And time, total time is given. ऊपर गया, then back to the thrower, total time given, so maximum height तक कितना time लेगा? 3 seconds, ठीक है? It will take 3 seconds, 6 seconds तो total time given है, okay? Another, which equation you will apply to find u? देखो, maximum height, यहाँ पे v क्या हो जाएगा? Zero, because this object is moving up, up, up with some velocity and velocity goes on decreasing, decreasing. Maximum height zero, then it fall back. So final velocity kya hogi? Zero. Applying first equation of motion, v is equal to u plus gt. What is the value of v? Zero. U is need to find g minus 10 into 3. So we get u minus 30 is equals to 0 और u कितना गया 30 m/s. ठीक है? Now second part the maximum height it reaches, ये height find कर रही है, this maximum height h. Daman, which equation we will apply here to find h? Second equation, s is equal to ut plus half gt square. Is it correct? Third. But second will have third, don't know that. Sit down. But it is easy with the third. V square minus u square is equal to 2g. What is v? Zero. U is 30 square is equal to 2 into minus 10 into h, and we will get minus 30 into 30. This goes in denominator. This negative negative go 15, and we will get 15 into 3, 45 m. This much height. Third part dekho. Position after 4 seconds. They are asking about the position after 4 seconds. देखो, 3 seconds में तो maximum height पे पहुंच गया. It will reach at maximum height after 3 seconds. But they are asking the position after 4 seconds. 3 seconds के बाद गिरना शुरू होएगा नीचे. है ना? So, we can solve it by two methods. दो तरीके से solve कर सकते हैं. If you want to find the position from the top, top से उसकी position find करें, then we will take t 1 second. If you want to find the position from the bottom, then we will take time 4 seconds. पूरा. Clear? Top से find क्योंकि 3 seconds तक तो पूरा पहुंच गया. Then free fall होना शुरू होएगा. तो यहाँ पे u क्या हो गया? Zero. G क्या हो गया? Positive 10 m/s. ठीक है, पोजीशन आपने फाइंड कर ली है. और क्या गिवन है? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? s इज इक्वल टू ut प्लस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. h वी नीड टू फाइंड, u इज 0, हाफ इनटू 10 इनटू t इज 1, 1 स्क्वायर 1, एंड वी विल गेट h इज इक्वल टू 5 m. But this is the position of stone from the top. You have to write this from the top. अगर आप 4 सेकंड से सॉल्व करोगे तो वो पोजीशन आएगी.
ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। हाँ जी।